seen that shit. हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक फाइल को शेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन से कंप्यूटर में, या फिर आप FTP सर्विस नाम के ऑप्शन को आप कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो पहले तो आप अपने लैपटॉप और फ़ोन को एक नेटवर्क से कनेक्ट कर लीजिए, चाहे वो आपके फ़ोन का नेटवर्क हो जैसे कि वाईफाई हॉटस्पॉट, तो उससे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब आप अपने ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे आपका FTP का सर्वर का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको स्टार्ट सर्वर नाम से ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एक कोड आ जाएगा। उस कोड को आप अपने लैपटॉप में जाके माई कंप्यूटर में वहाँ पे आप डाल दीजिए। उसको एंटर करते ही आपकी सारी फाइलें यहाँ पे आ जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ से उसको ओपन कर पाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो ये ध्यान रखें कि आप एक्सप्लोरर में ना ओपन करें, क्योंकि उसमें कई बार काम नहीं करता है। तो आप अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम को सेट कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो भी आप यहाँ पे चला सकते हैं, या फिर कोई ऑडियो सॉन्ग हो तो उसको भी यहाँ पे आप उसको प्ले कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आराम से यहाँ से कॉपी करके और अपने कंप्यूटर में पेस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली यहाँ पर आपके कंप्यूटर में पेस्ट कर देगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इस कोड को अपने क्रोम ब्राउज़र में भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरफेस अच्छा नहीं मिलेगा, आपको समझ में भी नहीं आने वाला है। तो आप जहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर नीचे सभी हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छा इंटरफेस मिल जाता है। तो आप वहाँ पर यूज़ कर लीजिए, आपको कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कॉपी करने में फाइल। और आराम से आप चाहें तो अपने मोबाइल से मोबाइल में भी कॉपी कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से मोबाइल में एक्सेस भी कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके में ये ऑप्शन FTP का नहीं है, इसके लिए आप चाहें तो प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले अपने प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च कीजिए FTP। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत से सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जैसा कि आप अब यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी अपना सेलेक्ट कर लीजिए और उसको इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसे ही स्टेप्स कर लीजिए।